जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव और आपका अपने चैनल रेल यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने अक्सर ट्रेन में सफ़र के दौरान बीच रास्तों में पड़ने वाले नदी के पुलों को देखा होगा। जब भी ट्रेन उन नदी के पुलों के ऊपर से गुजरती है तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है, और यही कुछ रास्ते, यही कुछ मंजिलें हमारे सफ़र को यादगार और खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इन्हीं खूबसूरत नदी के पुलों पर न जाने कितने रेल हादसों का इतिहास दबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही एक खौफनाक हादसा 6 जून 1981 के दिन हुआ था। ये एक ऐसा हादसा था जिसका कारण आज तक न पता लगाया जा सका। आज हम आपको भारतीय रेल इतिहास के सबसे भयानक हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 6 जून 1981 के दिन शाम का वक्त था। उन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। ट्रेन में बैठे सभी यात्री उस सफ़र का आनंद ले रहे थे। 9 बोगी वाली पैसेंजर ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। गाड़ी संख्या 416 डाउन मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। ट्रेन बदला घाट और खमारा घाट स्टेशन के बीच अभी बागमती नदी के ऊपर से गुजर ही रही थी कि एक भयानक हादसा हो जाता है। ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल संख्या 51 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के कारण ट्रेन के पीछे 7 लगे कोचेस उससे अलग होकर नदी में गिर गए। बारिश की वजह से बागमती नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन पलक झपकते ही नदी में डूब कर गायब हो गई। हादसे के बाद जब ट्रेन के 7 डिब्बे नदी में गिरे तो वहां यात्रियों की चीख पुकार मच गई। ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री अपनी जान की भीख मांगते हुए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस वक्त उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। जब तक आसपास के लोग नदी के पास पहुंचते, जब तक सैकड़ों लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जाता है। इस भयंकर रेल हादसे के बाद कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। गोताखोरों ने 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से 200 से भी ज़्यादा लाशें निकाली। बताया जाता है कि कई लाशें तो ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसी हुई थी। इसके अलावा कई लोगों की लाशें नदी के बहाव के साथ ही बह गई थी। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस हादसे में करीब 300 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया कि देश के इस सबसे बड़े रेल हादसे में तकरीबन 800 से 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 6 जून 1981 को हुए इस हादसे की वजह को लेकर कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि तेज आंधी की वजह से यह हादसा हुआ था, तो कोई कहता है कि नदी में अचानक बाढ़ आ जाने की वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा वहां के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुल पर आई एक गाय को बचाने के चक्कर में लोको पायलट ने अचानक से तेज ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रेन के पिछले 7 डिब्बे पलट गए और पुल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरे और फिर डूब गए। दोस्तों, हादसे की वजह कुछ भी हो, लेकिन शायद ये देश का बहुत ही भयानक और सबसे बड़ा रेल हादसा था, जिसमें 800 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, आपका क्या मानना है, इस हादसे की असली वजह क्या रही होगी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।